नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 20 अप्रैल 2023 को साल का प्रथम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, तो इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 20 अप्रैल 2023 को प्रथम सूर्य ग्रहण जो लग रहा है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी प्रभावी रहने वाला है। इसका प्रभाव भारत समेत कई अन्य देशों में देखने के लिए मिलने वाला है। यह ग्रहण वैशाख महीने की अमावस्या के दिन लगेगा और मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में घटित होने वाला है। इस ग्रहण के दौरान बहुत सारी घटनाएं वातावरण में देखने के लिए मिल सकती है। वहीं सूर्य बुध राहु युति बनाकर मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। यह ग्रहण सूर्य के ऊपर लग रहा है और सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई भी सूतक काल पूरे भारत में मान्य नहीं रहने वाला है। लेकिन जो ग्रहण की घटना होती है दोस्तों, वो खगोलीय घटना होती है और किसी भी प्रकार की खगोलीय घटना का मानव जीवन के ऊपर व्यापक असर देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसका भारत में भी पूर्ण रूपेण प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। यह ग्रहण चाइना, कंबोडिया, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, दक्षिण प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में पूर्ण रूपेण दिखाई देने वाला है। यह सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल की सुबह 7:04 पर शुरू हो जाएगा और दोपहर में 12:29 तक प्रभावी रहने वाला है। कुल मिलाकर 5:24 तक यह ग्रहण चलने वाला है। इस ग्रहण के प्रभाव से विश्व के कई क्षेत्रों में मौसम में बदलाव, तेज तूफान, आंधी, भूकंप की संभावना, प्राकृतिक रूप से गरज की संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का असर यह ग्रहण डाल रहा है। मीन राशि के जातकों, सूर्य देव के ऊपर यह ग्रहण प्रभावी रहेगा और सूर्य आपके राशि के छठवें भाव यानी रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो वर्तमान समय में आपके राशि के दूसरे भाव पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपके राशि के द्वितीय भाव पर यह ग्रहण लगने वाला है। राशि के दूसरे भाव से धन, मुख, वाणी, परिवार और कुटुंबी जनों के बारे में विचार किया जाता है, तो इस ग्रहण का आने वाले 20 दिनों तक आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों, कुटुंबी जनों के साथ नोक झोंक होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, इससे रिश्तों में सामंजस्य आपको बैठा कर चलना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। धन के मामले में समय बेहतर रहेगा, आर्थिक पदोन्नति आपको जरूर दिखाई देगी, आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें विकास आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ यात्रा के योग बनते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। कार्य व्यवसाय के सिलसिले में दूरस्थ यात्राओं पर जाने के अवसर आपको देखने के लिए मिलेगा। सूर्य द्वितीय भाव पर मौजूद हैं, तो यहां पर सूर्य की जो दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर जा रही है, तो यहां पर यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने की चाह रखते हैं तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, इसलिए किसी प्रकार की ऐसी चीजों में यदि आप धन निवेश कर रहे हैं तो आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। मीन राशि के जातकों को यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, काफी अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। नौकरी के क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, किसी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं उसमें यदि आप कोई बदलाव करने जा रहे हैं, नौकरी बदलने की यदि आप योजना बना रहे हैं तो आपको अलर्ट होना चाहिए, अलर्ट होकर ही बदलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ के वाद विवाद में उलझने से आपको बचना है। ऐसे मुद्दों में आपको उलझने से बचना चाहिए जो काफी ज्यादा शॉर्टकट हो और जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे मामलों में आपको किसी प्रकार से उलझने से बचने की आवश्यकता
रहने वाली है, उस समय आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल रहेगा, काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। सेहत के मामले में आपको अलर्ट रहना चाहिए। खान पान की आदत पर आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, तो आपके लिए काफी सकारात्मकता देखने के लिए मिलेगी। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, देखिए दो दिन के पश्चात यानी ग्रहण से अगले दो दिन के पश्चात गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव पर आ जाएंगे, तो यहां पर आपको गायत्री मंत्र का जब जब ग्रहण चल रहा हो तो गायत्री मंत्र का जप करना बेहतर रहेगा। उसके पश्चात ग्रहण के तुरंत समाप्त होने के पश्चात सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता, उत्साह और ग्रहण जनित दुष्प्रभावों से आपको पूर्ण रूपण कमी देखने के लिए मिलेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से आपको प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि के जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।